हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर होप यू एंड ऑल यर्स आर डूइंग वेल तो आज हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फाइव कंटेम्प्ररी साउथ एशिया या फिर जिसका नाम अभी चेंज करके साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड कर दिया गया है उसके पार्ट सेकेंड को कंटिन्यू करेंगे इससे पहले पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर sure आप पहले उसे देख लो सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हेर आर फ्यू पॉइंट्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल लेक्चर मिलने वाला है और यार इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और अगर आप उसको खुद एनालाइज करते हो तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं ठीक है हर सेट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना एक दो तीन तीन तक क्वेश्चन आए तो फॉर श्योर sure है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ें तो इसके लिए जो भी एन थी आपकी उसको मैंने कंप्लीटली नोट्स के अंदर कंपाइल किया है तो यार नोट्स थोड़े से ही अट्रैक्टिव है ठीक है शेप्स है कलर्स है तो आपको यहाँ से पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू बुक तो अगर आप इन पीपीटीज को रिवाइज करते हो तो एनसीआर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर होने वाले हैं सो या दैट वॉज द अपडेट तो आपको नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन और माइंड मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो पार्ट वन में हम ऑलरेडी तीन कंट्रीज को डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद श्रीलंका तो हमारे टॉपिक का नाम है एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका ठीक है तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है यार नाइनटीन में और उसके बाद से अभी तक वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली अपना रूल रन कर रही है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे यार पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जो तीन केस हम पहले पढ़ के आए हैं उनमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी यहाँ प्रॉब्लम है एथनिक कन्फ्लिक्ट की तो एज वी ओल नो कि श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज रहती है पहली है, है हमारी सिन्हा कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी है ठीक है और दूसरी हमारी माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी आती है दैट इज तमिल कम्युनिटी तो इन दोनों कम्युनिटीज के बारे में ऑलरेडी हम क्लास टेंथ में पढ़ के आ चुके हैं ठीक है तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो श्रीलंका का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको सिन्हाला के थ्रू डोमिनेट किया जाता है ठीक है और वो तमिल्स के साथ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है यानी उनके साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिन्हाला है यार उनका एक बिलीफ है ठीक है, है वो ये मानते हैं कि जो श्रीलंका है वो सिन्हा को बिलोंग करती है तमिल्स श्रीलंका को बिलोंग नहीं करते क्योंकि वो इंडिया से आए हैं तो उनका एक्चुअल ओरिजिन श्रीलंका नहीं है इसीलिए उनको कोई भी कंसेशन यानी कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए ठीक है तो इनकी सिंपल सी आइडियोलॉजी ये है कि क्योंकि हम श्रीलंका को बिलोंग करते हैं तो सारे राइट्स हमें मिलने चाहिए हर एक तरीके का बेनिफिट भले ही वो एजुकेशन में हो जॉब सेक्टर में हो सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए तो इसी सब के चलते यार वहां पे तमिल्स को बहुत ज्यादा निज्लेक्ट किया जाता है ठीक है हम इंडिया के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो यार इंडिया में आ, काफी सारे रिलीजन् काफी सारी कम्युनिटीज हैं बट स्टिल आफ्टर सो मच डाइवर्सिटी हम हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं हमारे सभी कम्युनिटीज के पास इक्वल राइट्स है ठीक है तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि वहां पे एथनिक के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जो कि कंप्लीटली फेयर नहीं है तो इसी वजह से जो कम्युनिटी है तमिल वो अपने आप को निज्लेक्टेड फील करने लग जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ठीक है कोर्स uh, अगर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मेरे को गुस्सा आएगा और मैं उसके ऊपर रिवर्ट बैक करूंगी अब वो रिवर्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है कोई बातचीत से करता है तो कोई वॉयलेटिव मेथड से करता है ठीक है तो ऐसा काफ़ी सालों चल काफ़ी सालों से चलता आ रहा था तो नाइनटीन में जो कुछ तमिल का सोसाइटी का जो एक सेक्शन होता है वो एक मिलिटेंट ग्रुप बना लेता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ठीक है ये इसे हम कम्पलीटली एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं कह सकते लेकिन इनकी एक्टिविटीज टेररिस्ट से काफी ज्यादा सिमिलर थी तो ये जिस तरीके से हमने नेपाल वाले केस में पढ़ा था माउस थे उनका ये मानना था कि अगर मुनार्क को हटाना है तो हमें वयोलेटिव बीजेस लेने पड़ेंगे आइडियोलॉजी इनकी भी थी कि अगर हमें सिन्हाला कम्युनिटी से अपने राइट्स लेने हैं तो हम उसे सिर्फ वायलेटेड मेथड से ही ले सकते हैं वायलेशन के साथ ही ले सकते हैं तो इसी सबके चलते ये श्रीलंकन आर्मी के साथ इनका एक क्लैश हो जाता है ठीक है इनकी फाइट हो जाती है और अब ये ओपनली डिमांड करते हैं कि हमें तमिल इलम चाहिए मतलब एक सेपरेट कंट्री चाहिए तमिल के लिए हम एरिया देख लेते हैं तो यार ये है श्रीलंका का मैप और इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसमें मेचोरिटी पॉपुलेशन तमिल है ठीक है तो बोलते हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसको तमिल इलम बना दो एक सेपरेट कंट्री बना दो हमें तुमसे अलग होना है और अपना एक अलग देश बनाना है ठीक है Uh, हाँ तो एक कार्टून भी दिया हुआ है हमारी बुक में जो ये लॉयन है मैंने यहाँ पे भी एलिमेंट्स इंसर्ट किए थे जो लॉयन है वो सिन्हा कम्युनिटी को डिनोट करता है और जो टाइगर है वो तमिल कम्युनिटी को डिनोट करता है तो इस कार्टून को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है उसमें सही से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ से आप चेकआउट कर लेना अब बात आती है कि इस सारे भसड़ में इंडिया का क्या रोल होता है श्रीलंका में ठीक है तो क्योंकि तमिल अब इंडिया से आए हुए हैं तो जो इंडियन तमिल्स होती है या फिर जो इंडिया के तमिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए इनकी कुछ सपोर्ट करनी चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए ठीक है तो अब इंडियन गवर्नमेंट हालांकि काफ़ी सारे स्टेप्स भी लेती है वो सबसे पहले तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करती है मेडिटेट करती है कि बातचीत से इस मैटर को सुलझाया जा सके तो इससे तो कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है ठीक है बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है फिर 1987 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक अकॉर्ड साइन करती है और इस अकॉर्ड के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज इंडियन आर्मी को श्रीलंका में भेजा जाता है ताकि इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराया जा सके लेकिन इवेंचुअली होता क्या है जो हमारी इंडियन आर्मी होती है उसी का ही एल के साथ एक क्लैश हो जाता है तो अब यह जो सब कुछ भी होता है हमें पहले यह देखना है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था इंडिया के इंटरफेयरेंस का ठीक है तो यार कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि कोई दूसरा देश उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे तो यही सेम रिएक्शन श्रीलंकन गवर्नमेंट का था इंडियन आर्मी का इस तरीके से आना या इंडिया का इतना इंटरफेयरेंस श्रीलंकन गवर्नमेंट को सही नहीं लग रहा था इवन दो अकॉर्ड साइन हुआ था बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डे नॉट लाइक दट ठीक है एंड विच इज कंप्लीटली फाइन क्योंकि ये उनका एक इंटरनल मैटर है तो इसी वजह से दो साल बाद 1989 के अंदर इंडियन पीस कीपिंग को वापस बुला लिया जाता है लेकिन अभी भी वहाँ पे जो ये वॉर है ये कंटिन्यू रहता है इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जैसे नॉर्वे हो गया या आइसलैंड हो गया इन्होंने भी ट्राई किया था कि नेगोशिएट हो जाए दोनों जो कम्युनिटीज़ है उनका Uh, थोड़ा सा uh, इस कन्फ्लिक्ट को आसानी से बातचीत करके सॉल्व कर लिया जाए लेकिन फाइनली 2009 में ये वॉर एक एंड पे आता है जब एल टी टी ई इस वॉर में हार जाती है श्रीलंकन आर्मी से तो ये हिस्ट्री थी श्रीलंका की लेकिन अगर हम प्रेजेंटली भी रियलिटी देखते हैं तो आज तक भी तमिल्स अपने राइट्स के लिए वहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है अनफेयर ट्रीटमेंट होता है सो या दैट इज़ इट बट अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल श्रीलंका की कंडीशन अभी है क्या ठीक है सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतने सालों तक वहाँ पे एक वॉर चलाए जिसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन है काफी ज्यादा वॉयलेटिव मेथड्स को यूज किया गया उसके बाद भी श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी है साथ के साथ इसका लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन की फील्ड में देख लो आप हेल्थ की फील्ड में देख लो काफी सही तरीके से ग्रो कर रहा है एंड इट इज प्रटिकमेंडेबल ठीक है इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है इसके अलावा ये साउथ एशियन रीजन की पहली कंट्री है जिसने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया था नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस एरिया के अंदर इतने सालों तक सिविल वॉर जिसमें काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था उसके बाद भी अभी तक इसकी हाईएस्ट जीडीपी रही है इस रीजन के अंदर तो यही इसका एक कंक्लूजन है और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इतनी ज्यादा इंटरनल कंफ्लिक्ट के बाद इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखा है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है ठीक है अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे 1949 फोर्टी आए, 48 आए आएगा सॉरी मैंने गलती से 49 लिख दिया है ठीक है तो 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद से अभी तक वहाँ पे डेमोक्रेसी स्मूथली रन कर रही है उसके बाद 1983 के अंदर क्योंकि तमिल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिनेटेड और निज्लेक्टेड फील करने लगे थे तो वो अपना एक मिलिटेंट ग्रुप बना लेते हैं विच वॉज एल टी टी ई लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिलम जो डिमांड रखते हैं कि अब हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए उसके बाद 1987 में इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है इस वॉर में और एक अकॉर्ड साइन करती है जिसके तहत इंडियन आर्मी को श्रीलंका में भेजा जाता है लेकिन उसके ठीक दो साल बाद 1989 के अंदर उन पीस कीपिंग फोर्सेज को वापस बुला लिया जाता है और फाइनली ये वॉर एंड होता है 2009 में विद द डिफीट ऑफ एल टी टी ई सो या दैट वॉज अबाउट श्रीलंका अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट तो यार इस क्लाश से हम ऑलरेडी फिमिलर हैं तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली इस चैप्टर में डिस्कस करना है तो थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज थी हम उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी या एथनिक डिफरेंसेस को लेके जो भी कन्फ्लिक्ट या क्लैश था उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अगर हम इंटरनेशनली एक कन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो इंडिया पाकिस्तान इस साउथ एशियन रीजन की मोस्ट ओवरवेलम कन्फ्लिक्ट इस टाइम तक की ठीक है तो उसी को स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो कश्मीर के इशू पे दोनों कंट्रीज का क्लैश हो जाता है जो अभी तक अनसोल्व है तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि कश्मीर हमारे अंडर आता है जबकि इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कश्मीर लाइज अंडर द इंडियन टेरिटरी ठीक है तो अब 1947-48 में वॉर होता है फिर 1965 में भी होता है उसके बाद 1971 में भी होता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर लेकिन कश्मीर का इशू अभी तक अनसेटल्ड है अभी तक कोई भी रिजॉल्व हुआ नहीं है इसके ऊपर लेकिन 1947-48 में जब वॉर हुआ था तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था जिसको नाम दे दिया गया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ठीक है तो अब जो पी है और जो इंडियन कश्मीर है उसको सेपरेट करती है एक लाइन ऑफ कंट्रोल सो दैट वॉज इट अभी इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कश्मीर के इशू के ऊपर ही इन्वॉल्व हैं और भी काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रेच जिक है जैसे कि शिचन ग्लेशियर हो गया इसके बाद रन ऑफ कच्छ के अंदर भी एक डिस्प्यूट है जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बेसिकली इसके साथ साथ दोनों ही जो स्टेट्स है इंडिया और पाकिस्तान इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया है 1998 के अंदर जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया था पोखरान के अंदर उसके कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्ड में आ, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिग हील्स के अंदर तो दोनों कंट्रीज अब वेपन की टर्म्स में स्ट्रेंथ की टर्म्स में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है ठीक है बिकॉज दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया है अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लेम गेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है तो दोनों ही जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा सस्पिशियस है तो एक ब्लेम गेम चलता रहता है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि वो कश्मीरी मिलिटेंट्स को हेल्प करती है इन द फॉर्म्स ऑफ आर्म्स बी एट मनी ट्रेनिंग दे ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया कैंपेन्स चला सके या टेररिस्ट स्ट्राइक्स कर सके तो सबसे पहला ब्लेम तो ये आता है उसके बाद दूसरा इंडिया ब्लेम करती है कि जो पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी है विच इज़ आई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वो भी काफ़ी सारे एंटी इंडिया कैंपेन्स में इन्वॉल्व होती है काफी सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे रन किए जाते हैं जो कि आईएसआई के थ्रू फंडेड होते हैं ठीक है ठीके? तो या इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन गवर्नमेंट ये भी बिलीव करती है जब 1985 के टाइम पे खालिस्तानी मूवमेंट्स चल रही थी इंडिया के अंदर सिक्स की तरफ से तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या फिर इसकी स्पाई एजेंसी ने ट्राई किया था इन प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट को एड करने का इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वेपन्स फॉर Uh, ताकि एंटी इंडिया कैंपेन्स को रन कर सके ठीक है तो ये एक ब्लेम आता है ये तीन ब्लेम आते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और भी काफी सारे हैं बट वी हैव टू रीड दीज ओनली इन दिस चैप्टर इसके बाद हमारी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और इसकी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज रो वगैरह को ब्लेम करती है फॉर फॉरमेटिंग ट्रबल इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान तो ये एक तरीके का ब्लेम गेम काफ़ी सालों से कंटिन्यू है ठीक है और इसके बाद अब हम टेरिटोरियल इशूज़ में तो इंक्लूडेड हैं ही बी एट कश्मीर बी एट रन ऑफ कर्च बी एट शियाचिन ग्लेशियर काफ़ी सारे और भी इश्यूज़ हैं जैसे कि एक इंदस वाटर के ऊपर दोनों कंट्रीज़ का 1960 तक काफ़ी मेजर डिस्प्यूट था लेकिन 1960 के अंदर एक इंदस वाटर ट्रीटी को साइन कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक दोनों कंट्रीज़ के थ्रू इसमें थोड़े बहुत सोल्यूशनस लिए जाते हैं लेकिन स्टिल अभी भी कंट्रीज़ जो है वो इस इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है वो इसमें अभी भी चेंजेस चाहती हैं तो या दैट इज़ स्टिल ऑन गोइंग तो ये हमारे कुछ इश्यूज़ थे हमें बहुत ज़्यादा डीपली इनको स्टडी नहीं करना है लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन एक दो मार्क में आता है तो हम आंसर कर सकते हैं तो सिंपल सा है जब कंट्री का पार्टीशन होता है तो दोनों कंट्रीज़ कश्मीर के इशू पे इन्वॉल्व हो जाती है इसके अलावा हमारा शियाचंद ग्लेशियर पे भी एक इशू है उसके बाद रन ऑफ कच्छ में भी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ठीक है दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम करती है इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है फॉर रनिंग एंटी इंडिया कैंपेन्स इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है फॉर ट्रेवलिंग इन सिंध एंड बलूचिस्तान नेक्स्ट हमारा एक वाटर uh, डिस्प्यूट है रिवर वाटर डिस्प्यूट है ऑन इंदस रिवर जिसके लिए इंदस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 में सो या दैट वाज अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड इट्स नेबर तो यार बेसिकली इस टॉपिक में हमें इंडिया का बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप पढ़ना है इसमें हम दोनों साइड्स देखेंगे बीट पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबसे पहला पाकिस्तान के साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बस उतना ही पढ़ना है इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया एंड बांग्लादेश तो सबसे पहले तो यार yeah, हमारे जो वाटर डिस्प्यूट है ओवर द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वो अभी तक स्टिल ऑन गोइंग है इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसका भी अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है ठीक है इसके अलावा एज वी ओल्ड नो कि बांग्लादेश से हर साल अभी तक कितने इमिग्रेंट्स आए हैं माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाते हैं 1971 के वॉर के टाइम भी आए थे तो उसके बाद तक अभी तक ये माइग्रेशन कंटिन्यू है ठीक है लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के इस क्लेम को कंप्लीटली डिनाई करती है कि बांग्लादेश से कोई भी माइग्रेंट इंडिया गया ही नहीं है ठीक है तो इस चीज़ से इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अनहैप्पी है सेकेंड इंडियन ट्रूप्स को बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में जाना था लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया तो यार इसमें आज सच रिफ्यूज़ करने वाली कोई बात नहीं थी सिंपल एक परमिशन देनी थी इवेंचुअली हमें आना तो अपनी कंट्री में ही था ना तो इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है इस डिसीजन से साथ के साथ बांग्लादेश ने इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया था तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जो बांग्लादेश की तरफ से इंडिया की साइड हुए हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश क्या क्या क्लेम करता है इंडिया को तो बांग्लादेश का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करता है साउथ एशियन रीजन में वाटर शेयरिंग के इशू पे साथ के साथ ये ये भी ब्लेम करता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके चतौ हिंग आ, हिल वाले एरिया के अंदर रेबलन या क्लाशज को इनक्रेज करती है साथ के साथ आ, एक मेजर क्लेम ये भी करता है बांग्लादेश कि इंडिया ट्राई करती है उसके नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोयट करने का उसके एक्सट्रैक्ट करके उनके मिसयूज़ करने का इनके अलावा इन्होंने एक और क्लेम भी लगाया है इंडिया के ऊपर अनफेयर ट्रेड का ठीक है लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दोनों कंट्रीज ने बहुत से मैटर्स पे कॉपरेट किया है बी डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ठीक है इसके अलावा पिछले 20 सालों से हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं बांग्लादेश के साथ तो ट्रेड टर्म्स पर अब दोनों कंट्री अच्छा कर रही है साथ के साथ इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के पार्ट में भी बांग्लादेश को शामिल किया गया था तो ट्रेड के लिए ही किया गया था इसके अलावा 2015 में काफी सारे एनक्लेवस को एक्सचेंज किया गया था या इसके बाद नेक्स्ट आती है नेपाल तो यार इंडिया और नेपाल काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप शेयर करता है इवन अगर हमें इंडिया से नेपाल ट्रैवल करना है या नेपाल से इंडिया ट्रैवल करना है किसी काम के लिए या ट्रैवल करने के लिए बेसिकली तो हम बिना वीज़ा और पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं तो, तो, तो दैट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशन जो दोनों कंट्रीज शेयर करती है अब हम देखते हैं नेगेटिव पहले हम पढ़ेंगे तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी बार नेपालीज गवर्नमेंट के थ्रू अपना डिसप्लेजोर एक्सप्रेस किया है बी इट नेपाल का और जो चाइना के इतने क्लोज रिलेशनशिप्स हैं बिकॉज इनडायरेक्टली वो इंडिया को इफेक्ट करते हैं ठीक है इसके अलावा इंडिया को एक और अनहैपी जो हम कह सकते हैं नेपालीज गवर्नमेंट कोई भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो उनकी कंट्री के थ्रू ऑपरेट हो रहे हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो ये भी एक मेजर पॉइंट है इसके अलावा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो ये क्लेम करती है कि जो माउस माउस जो है नेपालीज माउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन स्टेट्स के अंदर नक्सलाइट मूवमेंट के इंक्रीज होने के लिए ठीक है इंटर्न जो नेपालीज़ लीडर हैं और काफ़ी सारे सिटीजन्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि वो नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करती है तो ये कुछ क्लेम्स दोनों साइड से दिए जाते हैं लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद हम ट्रेड सेक्टर में साइंटिफिक कॉपरेशन में कॉमन नेचुरल रिसोर्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर दोनों कंट्रीज़ बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रही है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया एंड श्रीलंका तो श्रीलंका के साथ ऐसा हमारा कोई भी हार्ड या फिर बैड एक रिलेशनशिप नहीं है बट जब भी इंडियन तमिल्स के साथ कुछ भी वहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है या कोई भी एक उनके खिलाफ होता है तो उस केस में इंडिया के लिए न्यूट्रल रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इवन दो तो 1989 में जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को वापस बुला लिया गया था उसके बाद से हालांकि हम बहुत कम उनके इंटरनल अफेयर्स पे रिएक्ट करते हैं लेकिन अगर कुछ एग्रेसिव होता है इंडियन तमिल्स के अगेंस्ट तो फोर्स और उस सिचुएशन में इंडिया न्यूट्रल नहीं रह सकता उसे अपने लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा ठीक है इसके अलावा हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं श्रीलंका के साथ और जब श्रीलंका श्री में सुनामी आई थी तो उसमें भी काफ़ी सारा हमने उन्हें एड दिया था ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आती है इंडिया एंड भूटान तो यार हमने बाकी की जो चार कंट्रीज थी उनको डिटेल में डिस्कस किया था उनके पॉलिटिकल सिस्टम को इनको नहीं किया था क्योंकि इनको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है बट फिर भी एक बार रिवाइज कराने के लिए ये स्लाइड्स मैंने यहाँ पर दोबारा से डाल दी थी तो फॉर भूटान भूटान अभी भी एक मोनार्की है लेकिन उसमें काफ़ी सारे डेमोक्रेसी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं ठीक है तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं इंडिया और भूटान की तो काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ इन्जॉय करती है आज सच हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है एंड आई थिंक ये वन ऑफ द तो बेस्ट रिलेशनशिप है अगर हम साउथ एशियन रीजन में देखते हैं तो सबसे अच्छा रिलेशन हमारा भूटानीज़ के साथ है इनके साथ हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट बॉर्डर के ऊपर कुछ भी इशू ऐसा नहीं है ठीक है और इसके अलावा जो भूटानीज़ मुनार्क ने जो एफर्ट किए थे इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से गोरेलाज और मिलिटेंट्स को वीड आउट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं इंडिया के लिए ठीक है इसके अलावा इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है भूटान के अंदर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट टर्म्स में ट्रेड टर्म्स में भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं भूटान के साथ अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा इंडिया एंड मालदीव तो मालदीव 1968 तक एक सुल्तान के थ्रू रूल की जाती थी उसके बाद उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया लेकिन असल मायने में देखी जाए तो डेमोक्रेसी मालदीव में 2005 में आई है क्योंकि 2005 से पहले सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही होती थी उसी की सारी डोमिनेंस थी तो या दैट इज़ इट अब हम देखते हैं कि इंडिया का और मालदीव का कैसा रिलेशनशिप है इन तो दोनों कंट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा वाम और कॉडियल बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है 1998 के अंदर जब कुछ तमिल्स ने श्रीलंका के ऊपर अटैक करना चाहता तो जब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी सॉरी 1998 में जब श्रीलंकन तमिल्स ने मालदीव के ऊपर अटैक किया था और जब मालदीव ने इंडिया को हेल्प मांगी थी तो इंडियन ने एयर और नेवी फोर्सेस ने बहुत क्विकली रिएक्ट किया था और उनको इन्वेस्टेंट से बचाया था तो या दैट इज़ अ गुड पॉइंट जो हमने एक पास्ट में मेमोरी शेयर की है साथ में इसके अलावा इंडिया की मालदीव में भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया इसके अलावा टूरिज्म और फिशरीज़ में भी इंडिया का रोल रहा है अब सो या यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है एक छोटा सा हम कंक्लूज़न लेके चलते हैं तो हमने इन सब चीज़ों में पढ़ लिया कि जो बाकी की कंट्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वो क्लेम करती है कि इंडिया अपने बेस्ड ऑन द साइज रिसोर्सेज पॉपुलेशन एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करता है इन टर्न इंडिया का ये रिस्पॉन्स है कि बाकी के जो कंट्रीज़ है वो इसको एक्सप्लोयड करते हैं ठीक है तो ये हमने रिलेशनशिप देख लिए और अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया के इतने सारे कंफ्लिक्ट क्यों है साउथ एशियन रीजन में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही है बाकी कंट्रीज के भी हैं जैसे कि नेपाल और भूटान का है बांग्लादेश और म्यांमार का है तो आ, ये कॉमन है ठीक है नेबरिंग कंट्रीज म्यूट होते हैं कभी बॉर्डर इश्यूज पे हो जाएंगे कभी वाटर इश्यूज पे हो जाएंगे तो दैट इज़ प्रटी कॉमन ठीक है सो है वी केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने साउथ एशिया को डिस्कस किया है और उसके बाद एट द एंड हमने देखा है कि कंट्रीज़ का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है इन कंट्रीज़ का कैसा रिलेशनशिप रहा है इंडिया के साथ सो या दैट्स ऑल फो टूडे सी यू इन नेक्स्ट ब बाय